राजधानी भोपाल में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इन मामलों से निपटने के लिए भोपाल के सभी थाने के प्रभारियों को पुलिस कंट्रोल रूम में साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज ट्रेनिंग का दूसरा सेशन था। डीसीपी क्राइम ब्रांच अखिल पटेल ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। 1 दिसंबर से भोपाल के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी। साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 लाख तक के फ्रॉड की शिकायत थाने में दर्ज की जाएगी। वहीं क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सभी थानों में साइबर डेस्क बनाने की योजना बनाई है। 500 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। साइबर क्राइम की ओर से दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। एडिशनल एसपी, एसीपी, थाना प्रभारी, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल सभी प्रकार के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर थाने से 10 लोगों को साइबर क्राइम के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिसमें से साइबर क्राइम के ग्राफ में काफ़ी कमी आएगी। मध्य प्रदेश पुलिस का जो ध्येय है कि साइबर अपराधों की रोकथाम करना और जो अपराध घटे थे उनकी पकड़ धकड़ करना, इसके लिए साइबर डेस्क बनाने का जो योजना चल रहा है उसमें साइबर डेस्क सभी थानों को हम लोगों ने बनाई है। उसमें सभी लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण करने, क्षमतावान बनाने के लिए लगभग भोपाल में 500 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। साइबर क्राइम भोपाल की ओर से ये दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इसमें 100 के लगभग प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए थे। ऐसे 5 दिवस और कार्यक्रम चलेगा। इसमें एडिशनल एसपी, एसीपी, टीआईस, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, इस तरह के सभी इस तरह के अधिकारियों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके बाद क्योंकि 1 नवंबर के बाद ये 1 दिसंबर से ये डेस्क सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर देंगे, जिसमें 5 लाख से कम की शिकायतों द्वारा ली जाएगी। उसके लिए सभी लोगों को जो इंटरमीडिएट से कैसे जानकारी मंगानी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी, उन सब पे इसमें विस्तृत चर्चा हुई। इसमें बड़ा इंटरेक्टिव सेशन हम लोगों ने रखा है, ताकि जो लोग व्यक्ति है वो जो शामिल प्रश्नार्थी वो अपने अपने उन्होंने जो भी सवाल थे, उनकी जिज्ञासाएँ थी, उनको उठाया, उनका समाधान किया। इसके अलावा जो हम लोगों ने इसके अलावा जो बाकी बैकिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए भी हमने एंड पे पॉइंट रखा है, और बाकी जितने भी साइट्स हैं, जितने भी हमारे पोर्टल्स हैं, उनके संबंध में हम लोगों ने इसमें जानकारी साझा की है। भाई साहब, बिजनेस तो आपने खोल लिया, पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। आप पुराने तौर तरीके भूल जाइए, जमाना बिल्कुल बदल गया है। आप घर बैठे अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी शोरूम के साथ साथ शॉपिंग मॉल या फिर किसी भी तरह के बिजनेस का जोरदार और धमाकेदार ऑडियो या वीडियो तैयार कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम देंगे आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान। जी हाँ, हम हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंट्स एंड पब्लिशर्स। नाम तो सुना होगा। आपके बिजनेस के प्रचार की पूरी गारंटी हमारी। आप हमें व्हाट्सएप करें 7805818606 पर।